4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। दीपावली का त्यौहार है और इस त्यौहार में सबसे ज़्यादा आइटम्स जो इस बार बात हो रही दीपावली पे, वो स्वदेशी आइटम्स को लेकर के बात हो रही है कि बिक्री ज़्यादा हो रही। क्या मिट्टी के बर्तनों की बात की जाए, क्या इको फ्रेंडली पटाखों की बात की जाए, और उसी बीच अगर बात होती है तो चाइनीज़ जो झालरें होती हैं उसको लेकर के तमाम सवाल खड़े होते रहे हैं। तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल से राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील बंसल जी हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है 4 PM पर। धन्यवाद। मेरा नाम संदीप बंसल है। संदीप बंसल जी, संदीप बंसल जी, एक सवाल है। मोदी जी हर बार बात करते हैं कि स्वदेशी आइटम्स का प्रयोग करें। मोदी जी के बाद ग्राउंड स्तर पे तमाम भाजपा के जो समर्थक है वो भी स्वदेशी, लेकिन कहीं ना कहीं बाहर के मटेरियल का प्रयोग जरूर होता है। देखिए, भारत 150 करोड़ की आबादी वाला देश है। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का जो ध्येय वाक्य है उसके अनुसार भारतीयता, भारतीयों में एक बड़ा परिवर्तन आया है। इस बात को स्वतः आप भी महसूस करते होंगे और हम सब तो देख रहे हैं, चूँकि बाज़ार में हैं। एक समय में पूरा बाज़ार चाइना के उत्पादों से भरा हुआ था। यहाँ तक कि हमारे लक्ष्मी गणेश जी, जिनका हम पूजन करते हैं, वो भी चाइना से बन के आ रहे थे। हम जो घर पर दिया जलाते हैं वो दिया भी चाइना का बन के आ रहा था। लेकिन मुझे ये कहते हुए कुछ संतोष है कि वर्तमान में भारतीय जनमानस में स्वदेश के बने हुए उत्पाद दीपावली पूजन में इस्तेमाल करने की प्राथमिकता हो रही है। यहाँ तक कि मैं अपील भी करता हूँ और पूरा संगठन अपील कर रहा है तमाम जनता से, संपूर्ण व्यापारियों से, कि आप जो गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति लें वो कच्ची मिट्टी की मूर्ति लें और उसका पूजन करें, शायद उसका प्रभाव आपके घर पर, परिवार में आपको ज़्यादा मिलेगा। दूसरा, जो भी आप दीपक जलाएं, दिए जलाएं, वो जो हमारे गांव का रहने वाला व्यक्ति है जो वो दिए बना रहा है, या जो एक ऐसा व्यक्ति जो वर्ष भर दिए बना करके और इकट्ठा करता है कि मैं दीपावली पर उसका को उसकी बिक्री करूँगा और साल भर की कमाई अपनी दीपावली के अवसर पर करूँगा, ऐसे वर्ग को हम अवसर दें कि वो भी अपना परिवार पाल सके, तो उस तरह के दीपक और उस तरह के दिए खरीदे जाएं। उसी प्रकार जो ये झालर है, ये जो चाइना की बनी सस्ती हो या जिस भी रेट की चाइना की झालर हो, इसके बजाय हम अपने दीपक बहुत तरह के आ रहे हैं। आप बाज़ार में निकलिए, मेरी बात हो रही थी जो अपने व्यापारी हैं इसके, उन्होंने बताया इतनी क्वालिटी है, इतनी वैरायटी है कि हम हर तरह का दीपक दे सकते हैं, आप जिस तरह का दीपक चाहें वो मिल सकता है। और अंत में पटाखे की बात है, पटाखा जो है वो संकेत है भगवान श्री राम की विजयश्री का, इस दीपावली का। मैं ख़ास तौर पर कुछ ऐसे हमारे मल्टीनेशनल कंपनियाँ, उनके ऊपर उनसे कहना चाहूँगा कि जो वो विज्ञापन दे रहे हैं कि नो पटाखा और इस तरीके का, वो अच्छी बात नहीं है। ये वर्ष में एक बार हमारा त्यौहार आता है और ये त्यौहार खुशी का त्यौहार है। 365 दिन में एक दिन ऐसा त्यौहार है जिस दिन हम ये चाहते हैं कि पटाखा बजा करके हम सारे अपना जो वर्ग है, सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू समाज के लोग हैं, उनको ये महसूस कराएं कि ये तुम्हारा त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है। तो इस तरह की बात, पटाखा भी बजाना चाहिए। ये ठीक है कि प्रयास हो कि कम से कम प्रदूषण वाला पटाखा इस्तेमाल हो, लेकिन पटाखा भी बिक रहा है और खूब बिकेगा और बिकना भी चाहिए, दिए भी खूब जलेंगे और जो मूर्तियां हैं वो निश्चित रूप से मिट्टी की बने, मिट्टी की तो बन रही है, मिट्टी की इस्तेमाल हो। एक निवेदन, मैं एक अपील आपके इस चैनल के माध्यम से ज़रूर करना चाहूँगा। हम लोग वर्ष भर जिन मूर्तियों की पूजा करते हैं, जिनसे प्रार्थना करते हैं और जिनसे कुछ ना कुछ मांग करते हैं, पूजन के बाद जब हम नई मूर्तियां ले आते हैं तो चाहे हमारी घर हो, चाहे हमारी दुकान हो, कारखाना हो, हम उन मूर्तियों को उठा करके सड़क के किनारे रख देते हैं, पेड़ के नीचे रख देते हैं, या प्रयास करते हैं कहीं नदी नालों में प्रवाहित करें, कोई आवश्यकता नहीं है उसकी। आप मिट्टी की मूर्ति इस्तेमाल करेंगे, आसानी से उसको जल प्रवाहित कर सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं भी होता तो हम लोग इस बार नगर निगम लखनऊ के माध्यम से ये प्रयास कर रहे हैं कि हम जितनी मूर्तियां हैं पूरे लखनऊ में एकत्रित हो रही हैं, जो इस्तेमाल हो रही हैं, उनको एकत्रित कराएं पार्कों में। हर वार्ड में
3 से 5 पार्कों में मूर्तियां एकत्रित होंगी और उन मूर्तियों का ससम्मान विसर्जन ये काम भी व्यापार मंडल और मंगलमान अभियान मिलकर के करने जा रहा है। मैं तमाम सारे लोगों से अपील करूंगा, लखनऊ के लोगों से, उत्तर प्रदेश के लोगों से और भारतवर्ष में जहां पर भी आप देख रहे हो इस चैनल को, मूर्तियों का सम्मान कीजिए, क्योंकि यही मूर्ति वर्ष भर पूजा में और आपको कुछ ना कुछ आशीर्वाद स्वरूप देती है। अगर आप इस मूर्ति का सम्मान नहीं कर सकते तो इसका पूजन मत कीजिए, ये भी मैं अपील पूरे भारतवासियों से जरूर करना चाहता हूँ। बंसल जी, एक सवाल है, मार्केट में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है पूरे वर्ष, लेकिन जब दीपावली का जब त्यौहार आ जाता है तो उस समय एक अलग सी चकाचौंध होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा पिस्ता यही मिट्टी के बर्तन जो बेचते हैं दीपावली के त्यौहार के समय या मूर्तियाँ जो गणेश लक्ष्मी की बिकती हैं, सबसे ज़्यादा फेस इन्हीं को करना पड़ता है। क्या इस बार मार्केट में उछाल है जो माटी कला का जो व्यापार जो करते हैं? निश्चित रूप से, जैसा मैंने पहले कहा, इस बार लोगों में एक होड़ मची है कि हम बजाय चाइना के उत्पादों के, बजाय विदेशी उत्पादों के, स्वदेशी उत्पाद लेंगे। और आप को मैं बता भी रहा हूँ कि कच्ची मिट्टी की जो मूर्तियाँ हैं उनके लिए हमारे पास डिमांड आई है। हम लोगों ने उसकी एक सूची जारी की है कि लखनऊ में और प्रदेश में कहाँ कहाँ कच्ची मिट्टी की मूर्तियाँ आपको उपलब्ध हो सकती हैं, उसकी भी जानकारी हम लोग पूरे आम जनता और समाज के लोगों को दे रहे हैं। और हम सबका ये प्रयास होना चाहिए कि ये त्यौहार भारत का है, सबसे प्राचीन त्यौहार दीपावली है। भगवान श्री राम के आगमन के बाद तब से दीपावली का प्रचलन है और तब से दीपावली चल रही है। कितने वर्ष बीत गए, हजारों वर्ष बीत गए, तो हम इस दीपावली को अपना त्यौहार बना करके मनाएं, इसको विदेशी सभ्यता से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और ये बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि इस समय कुछ प्रतिकूल जो प्रभाव पड़ता है हमारे व्यापार पर, वो ऑनलाइन का पड़ता है और इसका असर कभी कभी व्यापारी पर आता भी है। एक अपील मैं आपके चैनल के माध्यम से और ये करूँगा कि बजाय ऑनलाइन ख़रीदारी करने के, आप बाज़ारों में जाइए, दुकानों पर जाइए, अपना जो संबंध है उसको जिंदा रखिए, अपना जो व्यवहार है उसको जिंदा रखिए। क्योंकि जब कोरोना जैसी परिस्थिति बनती है या कभी कोई धर्मशाला बननी हो, कोई अनाथालय बनना हो, कोई चिकित्सालय बनना हो, कोई धर्म से संबंधित विषय हो, हर विषय में अगर सबसे अग्रिम पंक्ति में कोई खड़ा होता है तो ये स्थानीय व्यापारी खड़ा होता है। आपका जो फुटकर खुदरा व्यापारी है ये खड़ा होता है, ये मल्टीनेशनल कंपनियां वहाँ पर नहीं खड़ी होती। आपको कभी चंदा चाहिए होता है तो उसके लिए भी ये व्यापारी खड़ा होता है। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपको अगर उधार भी सामान चाहिए ज़रूरत के समय, तो भी ये व्यापारी आपकी मदद करता है। तो इसलिए अपील होगी कि बजाय ऑनलाइन ख़रीदारी करने के, बाज़ारों में जा कर के व्यापारी से ख़रीदारी करें और जो हमारा सनातन का एक स्वरूप है उसको जिंदा रखें, भारतीय संस्कृति को जिंदा रखें। और व्यापारी समाज जो करोड़ों लोगों को रोजगार देता है, करोड़ों लोगों के परिवार को पालने का काम करता है, उसको आगे बढ़ाने का काम करें बजाय ऑनलाइन कंपनियों। बंसल जी, तो अपने फ़ायदे की, अपने व्यापारी भाइयों के फ़ायदे की बात कर लिया, ऑनलाइन भी तो मार्केट है, लोग ऑनलाइन तमाम सारी चीज़ें वो पा जाते हैं जो आसानी से दुकानों पर उपलब्ध नहीं होती हैं। मेरे मित्र ऑनलाइन रात के 12 बजे जब कोई सामान जब चाहिए होता है तो ब्लिंकिट जैसा हो गया, जोमेटो जैसे ऐप का प्रयोग करते हैं, उस समय भी दुकानें बंद होती हैं। मेरे मित्र, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऑनलाइन जो प्रक्रिया है, जब यह शुरू हुई थी, अमेरिका ने शुरू की थी अपंग लोगों के लिए, बुज़ुर्ग लोगों के लिए, या वो लोग जो घर से बाहर नहीं जा सकते उनके लिए ये ऑनलाइन शुरू हुआ। आज मुझे ऐसा लगता है कि पूरे विश्व को इस ऑनलाइन ने अपंग बना दिया। कहीं जाना ना पड़े, आप अपने घर पर बैठ करके सब सामान मोबाइल के जरिए मंगाते रहो, बहुत दिन तक ये नहीं चलेगा। आज की नौजवान पीढ़ी से आप भी उसी श्रेणी में हैं, जितने मेरे मित्र हैं, नौजवान मित्र, साथी, युवा, छात्र, छात्राएँ, उनसे अपील करूंगा कि ऑनलाइन जहां एसेंशियल हो, जहां अपरिहार्य हो, मान लीजिए आपको 12 बजे रात के किसी चीज़ की आवश्यकता है, आप ऑनलाइन मंगा लीजिए। कोई ऐसी वस्तु जो आपको नहीं मिल रही वो ऑनलाइन मंगा लीजिए। लेकिन आपको कुछ खाने पीने जाना है, आप बाज़ार जाइए। आपको कपड़ा लेना है, आप बाज़ार जाइए। आपको जूता ख़रीदना है, आप बाज़ार जाइए। मोबाइल ख़रीदना है, बाज़ार जाइए। आप सब चीज़ अगर ऑनलाइन लेंगे, आपका सामाजिक सरोकार समाप्त हो जाएगा, आपके जो संबंध हैं वो समाप्त हो जाएंगे। और आज से आने वाले 10-12-15 साल बाद
ना आप किसी को पहचानेंगे ना कोई आपको पहचानेगा। अच्छा, मार्केट इसको जिंदा रखने के लिए मार्केट में इस बार उछाल कितना देख रहे हैं, पिछले कई जो वर्ष जो बीते हैं उसमें इस बार कितने प्रतिशत उछाल देख रहे हैं? क्योंकि अभी तो मार्केट में से आपको रुझान भी आने लगे होंगे कि इतने प्रतिशत बिक रहा है या कहीं कहीं घट रहा है। सोने की मार्केट हो गई, माटी कला की हमने बात ही की है, और लाइटनिंग सिस्टम जो लोग घर पर झालरें लगाते हैं, तो इसमें इस बार मार्केट में उछाल हो रहा है या बैलेंस देख रहे हैं पूरा? देखिए, जो सोने चांदी का व्यापार है अभी थोड़ी गनीमत है कि वो अभी ऑनलाइन से बचा है, इसलिए सोने और चांदी या जो हमारा जो आरात का काम है उस पर तो उछाल है। जो और ऐसी वस्तुएं हैं जो ऑनलाइन नहीं मिलती उनका व्यापार भी ठीक है, लेकिन बहुत सी ऐसी वस्तुएं जो जैसे अब ई स्कूटर है, कारें हैं, अभी तो ऑनलाइन नहीं बिक रही, इनमें उछाल है। लेकिन मोबाइल, जूता, कपड़ा या और बहुत सा ऐसा व्यापार जो ऑनलाइन चल रहा है उस व्यापार में उतनी तेज़ी नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसीलिए मैं बार बार आपके समक्ष अपील कर रहा हूँ कि बजाय ऑनलाइन के हम बाज़ारों से ख़रीदारी करें, और जो बहुत आवश्यक हो उसके लिए ऑनलाइन करें। लेकिन फिर भी जो मेरे पास पूरे प्रदेश के और लखनऊ के आंकड़े आ रहे हैं या जो जानकारी आ रही है, व्यापार ठीक चलेगा। और पिछले वर्षों के मुकाबले, क्योंकि 2019, 20 और 21, 22 तक तो कोरोना का असर रहा, बाज़ार बहुत डल रहा, लेकिन पिछले वर्ष भी बाज़ार ठीक चला और इस वर्ष भी मुझे उम्मीद है कि दीपावली और ये जो 5 दिन का अपना त्यौहार है ये अच्छा असर बाज़ार को दे करके जाएगा। और व्यापारी जो वर्ष भर प्रतीक्षा करता है, ये ऐसा त्यौहार है 12 महीने इंतज़ार रहता है इसका। धनतेरस से प्रारंभ करके छोटी दीपावली, दीपावली, भाई दूज और गोवर्धन पूजा, ये 5 त्यौहार एक के बाद एक ऐसे हैं जो व्यापार को ज़िंदा रखने में सहयोग करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि इन 5 दिनों के त्यौहार में जो ये महाउत्सव है, दीपोत्सव है, ये व्यापारी को राहत देगा। और गरीब व्यक्ति जो वर्ष भर इंतज़ार करता है कि दीपावली आएगी, हमारी भी दीपावली होगी, हम भी नए कपड़े सिलवाएंगे, हम भी कुछ ना कुछ अपने परिवार के लिए लेंगे, तो वो भी निश्चित रूप से इस दीपावली में अच्छी तरीके से अपने घर को रोशन कर सकेगा। ऐसी मेरी शुभकामनाएं, और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। तो संदीप बंसल जी को आप सुन रहे थे, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और ये जो दीपावली है, बीते समय की जो दीपावली जो बीती है, कोरोना काल से भी कंपेयर किया और साफ कहा है कि ये दीपावली काफ़ी अच्छी जाने वाली है व्यापारी वर्ग के लिए। और एक बात और कही कि 12 महीने में सबसे ज़्यादा इंतज़ार इन्हीं 5 दिनों का किया जाता है। तो दीपावली की आप सभी को हार्दिक बधाई, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और ध्यान रखिए अपने परिजनों का, अपने चाहने वालों का। और आप सभी से एक अब मेरी भी अपील है कि नशा मुक्त ये पूरी दीपावली रखिएगा। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ, धन्यवाद।